हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत प्रताप सिंह एंड टीचिंग यू इंग्लिश फॉर क्लास 10। बच्चों हम लोग सेंटेंस एंड देयर रीऑर्डरिंग पढ़ रहे थे। ओके चलो हम जो है अब तक हमने क्या पढ़ा इस बात को थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे अबॉय प्लेस, एक एग्जांपल दिया गया अबॉय प्लेस। तो यहाँ हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है बेटा, प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी हिस्सा होता है, जो भी पार्ट होता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है भाई। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि हमने देखा कि भैया सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, स्मॉल बॉय इज प्लेइंग। ठीक है, अ स्मॉल बॉय इज प्लेइंग। तो आपने देखा कि ये सब्जेक्ट है, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके अलावा जो पार्ट बचा वो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट पे हम लोग बाद में बात करेंगे, फिर सब्जेक्ट को ही अच्छे समझ लेते बेटा। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ये बॉय क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, और आ स्मॉल ये क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। क्या हो गया, क्वालिफायर। अगर इस क्वालिफायर को हम फर्दर एक्सप्लेन करें या फर्दर क्लासिफिकेशन करें इसका, तो ये निकल के आता है क्वालिफायर को ही। क्वालिफायर यहाँ पे है क्या, आ स्मॉल। तो इस क्वालिफायर को देखेंगे तो ये स्मॉल एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ए हो जाएगा डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर। ये सब बातें पहले पढ़ाई जा चुकी हैं आपको। ठीक है, तो फिर देखा, फिर हमने देखा था कि एक कोई फ्रेज भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि फिर से एक सेंटेंस लिखते हैं, आ स्मॉल बॉय wearing red shirt, wearing a red shirt is playing। तो इज के पहले वाला जो हिस्सा है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट में भी हमने क्या देखा कि बॉय हमारा हेड वर्ड है, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव, ए डिटरमाइनर, wearing a red shirt क्या होगा, ये फ्रेज, ये फ्रेज है। ठीक है बेटा, इन सब चीज़ों पे पहले बात हो चुकी है। ए डिटरमाइनर, स्मॉल एडजेक्टिव, बॉय, हेड वर्ड, wearing a red shirt, फ्रेज हो गई। ठीक, अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, देखते हैं कि सब्जेक्ट में और क्या आ सकता है। सब्जेक्ट में हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटिव भी आ सकते हैं, पार्टिसिपल भी आ सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं आपको सेंटेंस, Playing is a good habit। ठीक है, तो देखा हमने इज के पहले हमारा क्या, वर्ब के पहले ये प्लेइंग आया है, ये वर्ब भी है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमारा ये जो है जीरंड यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, और या इसी को तुम लिख सकते हो, टू प्ले इज अ गुड हैबिट। तो देखा बेटा कि टू प्ले जो है ये हमारा इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये एक्चुअली हम लोग सब्जेक्ट ही क्या होगा या और सब्जेक्ट के पार्ट क्या होंगे उसी पे हम लोग आज काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो कई एग्जांपल दिए गए हैं आपको, इधर टू इट इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं बिट्टे, इट और देयर। इसे इट इज हॉट डे, आज गर्म है, तो यहाँ पे इट सब्जेक्ट है। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास, तो देयर जो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो सब प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे कि देयर इज नो प्रॉब्लम, तो देयर सब्जेक्ट है और इज नो प्रॉब्लम क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है बेटा, तो ये जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है,
इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपका होमवर्क हो जाएगा, 2.2 एंड 2.3 दोनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या होता है। 2.2 में क्या कहा, पिक आउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखो, डॉग्स बार्क, तो डॉग्स सब्जेक्ट हो गया, बार्क प्रेडिकेट हो गया। इस चीज़ को आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे, फाइन। और 2.3 देखो क्या कर रहा है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड शो सब्जेक्ट पार्ट्स आर शोन इन द एग्जांपल। ठीक, द सन इज वेरी हॉट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, द सन इज वेरी हॉट, तो द सन सब्जेक्ट हो गया, इज वेरी हॉट प्रेडिकेट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में भी बेटा सन हमारा हेड वर्ड हो गया और द हमारा क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, या क्वालिफायर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं, क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। अ फ्यू गुड गर्ल्स इन माई क्लास सबमिटेड देयर एक्सरसाइज बुक्स। तो अ फ्यू गुड गर्ल्स इन माई क्लास, ये सब्जेक्ट हो गया और सबमिटेड से लेके आगे तक ये प्रेडिकेट हो गया। अब जरा इसमें देखो, गर्ल्स क्या हेड वर्ड है, इन माई क्लास फ्रेज है, गुड एडजेक्टिव है, अ फ्यू डिटरमाइनर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने नोटबुक में ये लिखना है। ओके बेटा, और सैटरडे को कॉपी लेके स्कूल आना है, जिससे चेक किया जाएगा और जो प्रॉब्लम होंगी या जो आपको नहीं समझ में आया होगा वो सैटरडे को सॉल्व करेंगे, या आप फ़ोन करके भी हमसे बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।